तो बेटा साइंस का हम 7th लेसन पढ़ रहे हैं, तो हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये प्लांट्स में हम पढ़ रहे थे कि प्लांट्स में जो कैसे होता है मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, वो पढ़ रहे थे हम। तो इफ़ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज ए केमिकल रिस्पॉन्ड, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेल्स हैं वहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होता, उसकी बजाय कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, केमिकल कंपाउंड रिलीज होते हैं। दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल, तो ये जो केमिकल हैं वो सेल के चारों तरफ फैल जाते हैं। इफ़ द अदर सेल अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड, अगर जो दूसरे सेल्स हैं इस कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकें, उसको देख सकें, यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सर्फेसिस, उनकी सर्फेसिस पर स्पेशल मॉलिक्यूल्स होंगे जो उनको ढूंढ सकते हैं, देन दे वुड बी एबल टू रिकोगनाइज इन्फॉर्मेशन, तब उनको सूचना जो है वो पहचान सकते हैं, एंड इवन ट्रांसमिट है जिसको रिट्रांसमिट कर सकते हैं, आगे भेज सकते हैं। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, ये चीज़ जो होती है बहुत स्लो होती है, वो धीरे होती है, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, तो ये जो है सचमुच में सेल के शरीर के सभी सेल्स तक एकदम से जल्दी से पहुंच जाती है, रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन, उसमें नर्वस कनेक्शन चाहे हो चाहे ना हो। एंड इट कैन बी डन स्टेडिली एंड परसिस्टेंसली, इसको बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरह से किया जा सकता है। दीज कंपाउंड्स और हारमोन्स used by multicellular organism for control and coordination show a greater deal of diversity, तो ये जो हारमोन्स हैं या केमिकल्स हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो अंगों को कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो उसमें काफ़ी विभिन्नताएँ हैं। एज वी वुड एक्सपेक्ट डिफरेंट प्लांट्स हारमोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को चालू रखते हैं, ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, डेवलपमेंट एंड रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट, तब वो एनवायरनमेंट पर प्रतिक्रिया देकर विकास करते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम द वेयर दे एक्ट, यहाँ पर उन्होंने काम करना होता है, वो उससे दूसरी जगह पर मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं, एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन, तब यहाँ पर उन्होंने जिस एरिया में उनका एक्शन होता है, जिस एरिया पर उन्होंने काम करना होता है, वहाँ पर उनको डिफ्यूज़ कर दिया जाता है, वहाँ पर उनको भेजा जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर एक्टिविटी 7.2, व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट ए हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द शूट अप हेल्प टू सेल टू ग्रो लॉन्गर, तो इसमें एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब एक ग्रोइंग प्लांट है, उसने जब लाइट को उसके ऊपर जब लाइट पड़ी, तो उसके अंदर जो ऑक्सिन हार्मोन था जिस पर पौधे पे हिस्से पर लाइट पड़ी, उससे दूसरे हिस्से पर वहाँ पर ऑक्सिन नाम का एक रासायनिक जो रसायन जो था वो उस पर पड़ गया, वहाँ पर नया हार्मोन जो ऑक्सिन जो है सिंथेसाइज हो गया, हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर, उससे वो सेल को और ज़्यादा बढ़ने की क्षमता देता है। व्हेन लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, जब जो लाइट है पौधे के एक तरफ से आ रही है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टूवर्ड्स द शेडी साइड, तो ऑक्सीजन जो होता है वो उसकी जो अंधेरे वाली साइड है वहाँ पर पैदा होता है, तो दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द सेल इन ग्रो लॉन्गर, तब जो सेल्स हैं वहाँ पर जहाँ पर ये नहीं पहले पड़े थे तो वहाँ पर उनकी ग्रोथ कम होती है। तो ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज़ अवे फ्रॉम द लाइट, उस साइड में जहाँ पर वो लाइट से परे है वहाँ पर उसका ग्रोथ ज़्यादा होती है। दस द प्लांट अपीयर टू बेंड टू वर्ड्स लाइट, तब जो वो जो पौधा है लाइट की तरफ को बेंड हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हारमोन आर गिबरलिन्स, ये दूसरे प्लांट हार्मोन हैं गिबरलिन, तो विच लाइक ऑक्सिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, तब ये स्टेम के ग्रोथ में मदद करते हैं। साइटोकाइनेंस प्रमोट
सेल डिवीजन साइटोकाइन की वजह से पहले अर्ली सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं होते एंड इट इज़ नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। जहाँ पर सेल की डिवीजन ज़्यादा होती है वहाँ पर उसकी गिनती बढ़ जाती है, सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हारमोन दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ, बट प्लांट्स ऑल्सो नीड टू सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। ए एब्सिसिक एसिड इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ हारमोन जो कि इसको ग्रोथ को कम करता है। यहाँ पर इसकी एब्सिसिक एसिड की एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, तो ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ को कम करता है।